नगर की सीमा पर स्थित ग्राम बैरम नगर में दहेज की मांग पूरी न होने पर एक विवाहिता को गलत काम में धकेलने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया है। विवाहिता के इनकार करने पर उसके साथ मारपीट करते हुए जहर देकर मारने की कोशिश भी की गई। विवाहिता को बिजनौर के एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। हल्का दरोगा ने बिजनौर पहुंचकर उसके बयान लिए हैं। गांव बैरम नगर निवासी एक युवक की शादी करीब 3 वर्ष पूर्व हल्दौर थाना क्षेत्र के गांव महमदाबाद में हुई थी। विवाहिता का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसे 2 लाख रुपए का बाइक लेने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुरालियों ने विवाहिता पर गलत काम करने पर मजबूर करना शुरू कर दिया था। गलत काम से इनकार करने पर घर का दरवाजा बंद करते हुए उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। उसके मुंह में जबरन जहर की शीशी पलट दी गई। जहर की कुछ मात्रा पेट में जाने से उसकी हालत खराब हो गई। अचानक विवाहिता का भाई उसके घर पहुंचा। बहन को बेहोश देख उसके होश उड़ गए। उसने अपनी बहन को पहले नगर के एक निजी चिकित्सालय ले गए यहाँ भर्ती कराया, जहाँ से उसकी हालत को गंभीर देखते हुए बिजनौर भेज दिया गया। उसके बाद परिजन आनंद फानंद में विवाहिता को बिजनौर के एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया। घटना के बाद से सभी आरोपी फरार हैं। पीड़िता के भाई ने पति शाहिद जेठ ताहिर व जाकिर व सात शफीकन के विरुद्ध पुलिस को तहरीर सौंप कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। हल्का दरोगा सुभाष चंद ने पीड़िता के बयान दर्ज कर लिए हैं। कोतवाल अजय कुमार का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। न्यूज फ्रीडम के लिए नेहटौर से डॉक्टर नदीम अहमद की रिपोर्ट। किन की पत्नी है आप? शाहिद। क्या शिकायत है आपको? बहुत मारा दहेज के लिए, मारते वक्त पैसा ला के दे, गाड़ी ला के दे, दहेज ला के दे, नहीं ला के दे, हमारा घर में धंधा कर, पैसा कमा के दे हमें। वो सब बहनों ही चंडीगढ़ में रहता, मैं अलग करूँ देगा। उसने मेरी इज्जत पहाड़ डालने की कोशिश की, मेरे देवर ने मेरी इज्जत पहाड़ डालने की कोशिश की, बड़े मुश्किल से जान बचाते। देवर का नाम क्या है? जाकिर। और वो जो है आपके नंदोई कौन से बता रहे हैं? मेहर आलम। ये कहाँ के हैं? हिंदू करौंदे के, चंडीगढ़ रहते हैं बाबू धाम में। ये कब से, ये मामला कब से चल रहा है? तीन साल से इसी तरीके से, बहने भी कहती, माँ भी कहती। ये 2 दिन पहले जो घटना हुई, ये कैसे कैसे हुई आपके साथ? ये तो मारपीट उसी दिन से चल रही थी, जिस दिन से मुझे ले गए थे यहाँ से, मुझे टॉर्चर करा जा रहा था, अगर पुलिस के पास जाओगे तो छोड़ देंगे हम, तुझे रखेंगे ना। अभी जहर देने का मामला किस तरह से आया? जहर देने का मामला इस तरह से, पहले रात में मुझे मारा दोनों भाइयों ने, देवर ने और मेरे आदमी ने, और मेरा जेठ ने पिटाया मेरी सास ने खड़ा होकर। फिर सुबह में सब जमा हो गए, मेरा देवर भी, मेरा पति भी, और मेरा जेठ ताहिर भी, मेरी सास भी, सब ने बहुत ज़्यादा मारा। मारने के बाद बाल पकड़ पकड़ के सब खींचती थी, घसीट घसीट कर मुझे बहुत मारा। सब यहाँ पे ऐसी जगह जो आपको दिखा भी नहीं सकती। तुम्हें किसी ने बचाया नहीं? नहीं, कोई नहीं आता। मेरे घर में हर जगह लॉक लगे हुए हैं, लॉक लगा के रहते हैं। सब चाबी मेरी सास के पास रहती है, किसी को आने जाने नहीं देती अंदर। जहर दिया है आपको, कैसे कैसे दिया? वो इस तरीके से दिया, मारा मुझे जब, तो फिर मारने के बाद मैं अदमारी हो गई, तो मुझसे कहा गया काम करो, उठ हमारा खाना बना के दे, कपड़े धो, पोछा लगा, झाड़ू लगा। तो मैंने ये कह दिया, जब इतना दर्द हो रहा, मैं इतनी मार खा के कैसे उठूँ, मुझे दवाई ला के तो आराम मिलेगा, तो मैं उठूँगी, काम करूँगी। तो मुझे एक इतनी छोटी सी ऐसी ला के दी प्लेन। किसने? कोई सामने था, मेरे पति ने ला के दी। जेठ ने कहा मुझे इसे दवाई ला दे, मेरी सास ने और देवर ने कैसे दवाई ला दे, उन्होंने मुझे सीसी ला के दी वो, कि वो ये दवाई पी ले। मैंने सीधे ही मान नहीं कहते कि कितनी पीनी दवाई, जब मैं तो बुरी तरह से परेशान हो गई दर्द में, तो कहने लगे कि थोड़ी सी पी ले देख के अपना। मैंने ढक्कन खोल के ऐसे मुँह डाली, जैसे भरी हुई सीसी थी, मुँह में जैसे डाली वो, तो मुझे पता चले दवाई नहीं कुछ और है, तो मैंने फेंकनी चाहिए हाथ से यूँ करके, तो ज़बरदस्ती मेरे जेठ ने, मेरी सास ने, मेरे देवर ने। जेठ का क्या नाम है? ताहिर भाई रहते हैं अड्डे पे गर्म नगर में। मेरे पति तो हो गया पीछे, इन तीनों ने ज़बरदस्ती मेरे मुँह में यूँ करके डाली, तो मेरे इतने इतने मुँह पर वो दवाई गिरी, मेरे कपड़ों पे गिरी, बाकी मेरे मुँह में गई वो। और मुँह में जाने के बाद 3-4 मिनट बाद ही मेरे मुँह से झाग और खून आना चालू हो गया। बस मेरे हाथ में मेरा बच्चा था, ऐसा करके मेरा बच्चा भी नीचे गिर गया, मेरे हाथ काम में ठंडी से मुँह में, और बस मैं खड़े से बेहोश हो गई थी। मुझे पता नहीं सर मेरे साथ क्या हुआ, कौन मुझे ले गया, कहाँ ले गया। अब आप इनके जाना चाहती हैं या उनके खिलाफ कार्रवाई चाहती हैं? सर कार्रवाई तो करो, जाना तो मैं उसी आदमी के साथ चाहती हूँ, उसी पति के साथ रहूँगी, लेकिन मैं इस तरीके से नहीं रहूँगी। अब उनके खिलाफ कार्रवाई चाहती हैं आप? जी कार्रवाई चाहती हूँ, बस मैं अब उसी के साथ रहना चाहती हूँ जिसके साथ मेरा निकाह हुआ, मैं अब किसी के साथ नहीं रहना चाहती। और सर मेरा बच्चा है, अब वो बार बार मेरा देवर कहता है मेरा घर है, सब कुछ मेरा, मैं नहीं सर कुछ दूंगा, तो मेरा बच्चा है सर, मुझे मेरा हिस्सा तो दिला। देवर क्या करता है आपका? पढ़ लगाता है, वो भी उससे ज़्यादा काम मेरा पति करता है। साथ में ही रहते हैं दोनों? जी दोनों साथ में, तो घर तो मेरा भी है। तो सर मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, मुझे मेरा हिस्सा दिला, मेरा हक दिला, मुझे इंसाफ दिला,
मैं आज तक ये डर के चुपचाप हो जाती थी। सर कहते थे पुलिस वाले तो खुद होते हैं ना, तो जहाँ हम डाल लो वहाँ जाएंगे, हमारे पास इतना पैसा हम पुलिस को खरीद लेंगे। तो सर मैं इसी ये सोच कर डर जाती थी सर, मुझे पुलिस के पास भी इंसाफ ना मिले।